आंद्रुस के जनूबी हिस्से अलबाशरात के कोस्तानी सिलसिले शलेर की एक चोटी पर ढलती हुई उम्र का एक शख्स अपने हाथ में छड़ी लिए एक बड़ी सी चट्टान पर बैठा हुआ था। वो शायद चरवाहा था, इसलिए कि कोस्तानी सिलसिले की उस चोटी के नीचे भेड़ बकरियों की शक्ल में उसका एक खासा बड़ा रेवड़ चढ़ रहा था। उस बूढ़े की निगाहें बार बार कोस्तानी सिलसिले शलेर की चोटी से दरियाए फरदूश के किनारे राबों के लिए बनी हुई खानकाओं की तरफ उठ जाती थी। फिर वो बड़े मायूसाना अंदाज से इधर उधर देख रहा था, शायद उसे बड़ी बेचैनी से किसी का इंतज़ार था। अलबशरात अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी ऐसी ज़मीन के हैं जहां घास कसरत से पैदा होती है। गरनाता शहर के जनूब में साइज समंदर तक, जिस कदर घाटियाँ शमाल से जनूब तक साइज तक फैली चली गई हैं, आंद्रुस में इससे ज़्यादा कोई खुश मंजर इलाका ना था। इसमें हर किस्म के मेवाजात, खासकर अंगूर, नारंज, लीमू, अंजीर बहुत उम्दा और कसरत से पैदा हुआ करते थे। यहाँ के मुसलमान बाशिंदे बड़े जंगजू और दलेर थे, किसी से दब कर रहना उनके लिए नामुमकिन था। ये वो दौर था जब मुसलमानों की आखिरी सल्तनत गरनाता का खात्मा हो चुका था और आखिरी मुसलमान हुक्मरान अब्दुल्ला आंद्रुस से निकल कर अफ्रीका जा चुका था। स्पेन के नुसरानी हुक्मरान मुसलमानों पर जुल्म और जबर करते हुए उन्हें ज़बरदस्ती नुसरानी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों की बदकिस्मती, जब मुसलमान स्पेन पर हमला आवर हुए, यूरोप वाले उन्हें मुअर्रस नाम से पुकारते थे, और जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई तब स्पेन के हुक्मरानों ने मुसलमानों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना शुरू किया, और जो लोग ईसाई बना लिए जाते उन्हें हकारतन मार्सकूज कहकर पुकारे जाने लगे थे। जिन मुसलमानों को ज़बरदस्ती नुसरानी बना लिया जाता था वो कलीसाओं में ज़रूर जाते थे, लेकिन घर आकर दरवाजे बंद करके 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे, इसलिए कि अपनी जानों और अपने नामूस को बचाने के लिए। बाज़ार उन्होंने नुसरानी कबूल कर ली थी, लेकिन बातन वो अपने दीन से मुंसलिक रहे। गो नुसरानियों और उनके हुक्मरानों को मुतमाइन करने के लिए वो कलीसाओं में शादी करते थे, लेकिन घर जाकर बड़ी राजदारी के साथ इस्लामी रसूमात के मुताबिक अपने निकाह का भी अहतमाम कर लेते थे। अलबशरात के अलावा जहाँ कहीं भी मुसलमान थे उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वह हर सूरत में नुसरानियत कबूल करें। सिर्फ अलबशरात में जो जंगजू कबाइल बैठे हुए थे वो अभी तक इन पाबंदियों से आज़ाद थे, इसलिए कि आए दिन अलबशरात के मुसलमान जंगजू कबाइल और इस्पानिया की नुसरानी इंतज़ामिया के दरमियान झड़पों और लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहता था। ये वो बदतरीन दौर था कि इस्पानिया के नुसरानियों ने मुसलमानों को इस्पानिया की हुकूमत से बिल्कुल महरूम कर दिया था, और अब इस्पानिया के हुक्मरानों के हौसले और वलवले इस कदर बढ़ गए थे कि समंदर की पट्टी को अबूर करने के बाद उन्होंने शमाली अफ्रीका के एक काफ़ी बड़े मुसलमान इलाके पर भी कब्ज़ा करके वहाँ खासा बड़ा लश्कर रख दिया था, जो ना सिर्फ उस इलाके की रखवाली करता था बल्कि उस इलाके में राबों की खानकाहें और कलीसा तामीर करने के बाद वहाँ भी नुसरानियत की तबलीग करने का काम शुरू कर दिया था। जहाँ तक इस्पानिया के मुसलमानों का ताल्लुक था, वो अब अपने माजी की अजमतों और अपने असलाफ के वक़ार से कट चुके थे। अपने हाल से वो कती तौर पर गैर मुतमाइन और अपने मुस्तकबिल में तारीकी के सिवा कुछ महसूस न करते थे। अलबशरात में जो कबाइल अपनी आज़ादी बाहर रखे हुए थे उनके 2 बड़े ग्रोह थे। पहला ग्रोह अदनानी कहलाता था, उनमें अरबों के कबीले बनु हाशम, बनु उमिया, बनु मखजूम, बनु फाहर, बनी किनाना, बनी हजीन, बनी तमीम, बनी सकीफ और बनी रबिया शामिल थे। दूसरा ग्रोह जो ज़्यादा ताकतवर था उनमें बनी अजीनी, खजराज, बनी औस, बनी हमदान, बनी तयपति मुराद, बनी मरा, बनी खोलान, बनी लहम, बनी जजाम, बनी कुंदा, बनी हमीर, बनी कफाहा, बनी हवाजन और बनी कल्ब वगैरह शामिल थे। कैतानियों में ज़्यादा तादाद बनी औस और खिजरत की थी, जो अंसार कहलाते थे, जिन्होंने मदीना मुनवरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी। ये लोग कसर से अपने वतन को खैरबाद कहकर आंद्रुस में आबाद हो गए थे कि खास मदीना में तकरीबन उनका कोई आदमी ना रहा था। उन दिनों कैतान कबीले के सरदार का नाम काब बिन आमिर और अदनानी कबाइल का नाम साद बिन सलामा था। कैतानी सरदार काब बिन आमिर का एक बेटा मगीरा बिन काब
दो बेटियां नाबील और मुआज थीं, जबकि अदनान कबाइल के सरदार साद बिन सलामा की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम नबीरा था। बहरहाल ये जंगजू कबाइल अक्सर बेशतर हस्पानवी हुकूमत से अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए बरसे पिकार रहते थे। उनरस में ये मुसलमानों के लिए इंतहा दर्जे का बुरा और बदतरीन दौर था। जबल शलीर की चोटी के ऊपर जो चरवाहा बैठा हुआ था और जो नीचे बार बार दरियाए फरदेश के किनारे नुसरानी राबों की खानकाओं की तरफ देख लेता था, कुछ देर ऐसी काफियत में पत्थर पर बैठा रहा, अपनी परेशानी और उलझन का इजहार करने के लिए कभी कभी वो बड़े ज़ोर से अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी ज़मीन पर मारते हुए गुस्से और खफगी का इजहार करता था। फिर उसे न जाने क्या सूझी, उठ खड़ा हुआ। कुछ देर वो इंतहाई मगमूम अंदाज में छोटे से नीचे बहते दरियाए फरदीश की तरफ देखता रहा। इसके बाद वो इंतहाई दुख और कर्ब में अपने जज्बात का इजहार करते हुए जमजमा सरा हुआ था। जो नगमा वो अलाप रहा था उसका मफहूम कुछ इस तरह था। तमाम हूँ कि मेरे खुदा, ये इम्तिहान कैसे सुलग रहे हैं, हमारा कोई खुदा ना हो जैसे, बुझ रहे हैं हरीम कल्ब में सलामती के चिराग, कोई सैर हमारे मंजर में ना हो जैसे। रोज़ बनते हैं, बिगड़ते हैं, बिखर जाते हैं, महरूम कोई आब बख्त से हनाब हो जैसे। ऐ खुदा तेरे जहां में किस से मुनसफी चाहें, सलामती ना पैद यहां इंसाफ अंक हो जैसे। डूबा है हर कोई हवा बहूस की गंदगी में, इस ज़मीन के हस्तबूद ही बेज़मीर हो जैसे। मर रहे हैं लोग बेवजह जहर गजीदों की तरह, कायनात में खुदाया बस जार ना हो जैसे। हम तो राह ही हैं, गुजर रहे हैं खारजारों में, अलामा दामने नसल न उलझ हो गया हो जैसे। यहाँ तक गाने के बाद उस चरवाए की महवियत जाती रही, इसलिए कि उसकी पुश्त की जानिब से दो इंतहाई नौ उम्र और नौखेज लड़कियाँ घोड़ों को दौड़ाती हुई आ रही थीं। एक सियाफाम हबशी भी घोड़े पर सवार उनकी निगरानी कर रहा था, शायद वह उनका गुलाम था। कोस्तानी सिलसिले के ऊपर आकर दोनों लड़कियों ने अपने घोड़ों को रोक दिया, नीटी उतरी। उनकी तरफ देखते हुए सियाफाम हबशी भी अपने घोड़े से उतर गया और तीनों घोड़ों की बागें पकड़ते हुए खड़े हो गए थे। दोनों लड़कियां इंतहा दर्जे की खूबसूरत और पुरजमाल थीं। दोनों शक्लों शुबहात में एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती थीं, लेकिन छोटी लड़की हुस्न जाज़बियत में ज़्यादा अहमियत रखती थी। छोटी लड़की चरवाहे के करीब गई और बड़े एहतराम में उसे कहने लगी, आम मंजर बिन ज़ुबैर मैं देखती हूँ, क्या आप खिलाफ मामूल नीचे दरियाए फरदीश के किनारे राबों की खानकाहों की तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहे थे? मैंने आपकी इस हालत का अंदाज़ा बुलंदी की तरफ आते हुए कर लिया था, क्या कोई ख़ास बात है? क्या उन नुसरानी राबों की खानकाहों में कोई हलचल मचने वाली है, कोई इंकलाब रूनुमा होने वाला है, या आपको वहाँ से कोई बेहतरी की उम्मीद और भलाई की तमन्ना है? उस लड़की के इस इस्तफसार पर मंजर बिन ज़ुबैर बिदक सा गया। उसने सर को झटक दिया जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश करने लगा हो, फिर वो बात का रुख बदलते हुए कह रहा था, बाज मेरी बेटी, मेरा यूं दुख और अफसोस भरे अंदाज में राबों की खानकाओं की तरफ देखना किसी इल्लत के बगैर नहीं है। मेरी बेटी, मेरे तजस्सुस की जबलत मुझे अक्सर बेशतर अपनी कौम के माजी की तरफ घसीट कर ले जाती है और मैं उन अवामल की खोज लगाने की तरफ माइल हो जाता हूँ जो हमारी तबाही और बर्बादी का बाइस बने और जिन्होंने स्पेन के अंदर मुसलमानों की 800 साल हुकूमत का खात्मा कर दिया। लड़की जिसका नाम मुआज पुकारा गया था, मंजर बिन ज़ुबैर के इन अल्फाज पर उदास और अफसरदा हो गई थी। उसकी बड़ी बहन की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ ना थी और उनके करीब जो ढली हुई उम्र का हबशी जो तीनों घोड़ों की बागें पकड़े हुए था वो उनसे बढ़कर अफसरदा हो गया था। फिर मुआज नाम की उस लड़की ने फिर मंजर बिन ज़ुबैर को मुखातिब किया, आम आपके ख्याल में स्पेन में हमारी इस कदर मजबूत और मुस्तकम सल्तनत कैसे ख़त्म हो गई? जुआ में मंजर बिन ज़ुबैर कुछ देर तक होंठ काटता रहा, आंखों में नमी उतर आई, फिर इंतहाई दुख भरे अंदाज में वो कह रहा था, मुआज इस सरजमीन की तारीख यूं तो तमाम दुनिया के लिए अहम और दिलचस्पी का बायस रहेगी, मगर इबरत खेजी और दर्स आमेजी के लिए मुसलमानों के लिए यह इंतहा दर्जे की अहमियत इख्तियार कर जाएगी। ये अपनों के धोखे और फ्रेब की दास्तान गम है, उनके करीब से आने वाली मुसलमान नस्लों को पता चलता रहेगा कि वो मुसलमान जो फातह की हैसियत से
स्पेन में दाखिल हुए थे उस वक्त उनके अकीदे की एहसास तौहीद पर थी। उनका शियार वादत और यकजहती था। इसी अकीदे और शियार को बुनियाद बनाकर स्पेन के फाते मुसलमानों ने पूरी तहजीब और मुआशरत और माशियत और सियासत की इमारत खड़ी की थी। पर हाय, एकामाते खुदावंदी को पसे पुश्त डालकर और अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामने के असूल को फरामोश करके आपस की लड़ाइयों और जंगों पेकार को अपना शियार बना लिया। नतीजा ये हुआ कि एक दिन मुस्लिम कौम को स्पेन के अंदर अपनी सियादत और क़यादत दोनों से हाथ धोना पड़ा और मुसलमान इस सरजमीन से बेचश्मी गरियां निकलने पर मजबूर हुए। यहाँ तक कहने के बाद वो बूढ़ा रोका, फिर पहले से ज़्यादा दुख भरे अंदाज में वो कह रहा था, अल्लाह के मुकर्रर करदा असूल सब के लिए यकसा हैं और उसकी सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं होती। जो लोग आज अल्लाह के फरमा बरदार और इताअत शार बंदे हैं, कल अगर वही इस अकामात से रोगर्दानी इख्तियार कर लें तो हरगिज़ ज़िल्लत और रुसवाई से बच नहीं सकते। इसलिए कि अल्लाह ने अरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम में से अगर कोई अपने दीन से फिरे तो अल्लाह ऐसे लोग लाए जिन्हें वो चाहे। दुख और कर्ब में थोड़ी देर तक मंजर बिन जुबैर की गर्दन झुक रही, आंखें नमनाक हो गई थीं। फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बड़े अंदोनाक अंदाज में कह रहा था, काश कोई तारक बिन ज़ियाद उठता और इन सरजमीनों में हदीस से कम इंसान के अंदर बिखरे और धुंधले सायों में लिपटे लावारसी के दौर में तूफानों के किस्म सात समंदर की तरह जहूर करके मकाम आदम से गिरी कौम को ओज अदा कर जाता। काश कोई अब्दुल रहमान अल दाखल तकबीर बुलंद करता और इस सरजमीन में दाखिल होता और तलाश मंजिल में बेकरार शाम गरीबा की पिघलती परछाइयों और नफरत भरी जिंदगी की इबारत को जीत की कैख्या बनती सितारों की रोशनी अता कर देता। काश को यूसुफ़ बिन ताशबिन अंदरुस में मुसलमान कौम के लिए अमन और आतशी घरों, चातों के गवारों, रैमतों के मस्कनों, बरकतों की बस्तियों के दर खोलने के लिए अनवार्द होता। काश कोई ताज़ा ख्यालों का नुमाइंदा बनकर कोई अब्दुल मोमन मराकश से उठता और अंदरुस में मुसलमानों को नफरत गुजीदा बारूद की बो भरे जल्स शोलों के जिंदानों और वक्त की काली कतलगाहों से निजात दिलाता। पर हाय, लगता है हमारी आंखों के औताकों में आज के बुढ़े दिए ही लिखे हैं। किरणों का गुबार अपने दामन में हमारे लिए सिर्फ जर तबीरें ही रखता है। हाय वो कौम जो सदियों तक इन सरजमीनों में कामयाबी से हुकूमत करती रही, लगता है अब उनकी बची कुछ नस्लों के मुकद्दर में कतरा कतरा बनकर घुलना और ज़र्रा ज़र्रा बनकर सुलगना ही लिखा जा चुका है। यहाँ तक कहने के बाद वो चरवाहा मंजर बिन जुबैर रुका था। लगता था ज़ाहिरी तौर पर वो अपना भरम रखे हुए हो, लेकिन बाजनी तौर पर वो रो रहा हो, पिघल रहा हो, तूफान की तरह उमड़ते अपने आंसुओं को रोक रहा हो। कुछ देर खामोशी के बाद वो कर्बनाक आवाज़ में कह रहा था, आखिर कब तक हम अलबशरात के बचे खुचे मुसलमान जलती आज़ादी के धुएँ, गुलामी के भड़कते बारूद में ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? कब तक जुल्म के खूनखार वैशी साए रूफ और साह उलझने हमारे मुकद्दर पर हावी और मोहित रहेंगी? मंजर बिन जुबैर की आंखों में नमी उतर आई थी। कुछ देर होंठ काटता रहा, आंखें झपकाता रहा, फिर लम्हा बालम्हा डूबती और दुख को आयां करती आवाज़ में वो दोबारा कह रहा था, हाय, कब तक हम अलबशरात के रहने वाले लावारसी का दर्द मनोसलवा के मतलाशियों की तरह अपने हिस्तोबू से जंग करते रहेंगे? काश कोई इन सरजमीनों में हयात व कुव्वत का कोई रिज़्क़ां उठता और उदास रुतों और सिसकते जज्बों, जर्द पत्तों की कहानियों और शब के उदास आंगनों में मुस्लिम कौम की किताब हस्ती के वर्क वर्क पर नूर की किरणें बखेरती मेहताब कहानियां रकम करता। यहाँ तक कहने के बाद चरवाहा मंजर बिन जुबैर खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर दूर दूर तक उदासियाँ थीं, आंखों में नाउमीदी की ऐसी काफ़ियत थी जैसे मंजर के करीब किसी मुसाफिर से उसका सारा एहसासा छीन लिया गया हो। उसकी ये काफ़ियत देखते हुए वो आज उसकी बड़ी बहन नाबील, उनका हफशी गुलाम बसीत तीनों ही उदास और अफसरदा हो गए थे। फिर उन तीनों ने देखा मंजर बिन जुबैर नीचे राबों की खानकाओं की तरफ देखते हुए चौंक पड़ा था, इसलिए कि उन खानकाओं में से एक के अंदर से दो राब निकले थे। एक खूब जवान, दूसरा अभी नौ उम्र लड़का सा था।
दोनों ही एक जैसा रहबाना लिबास पहने हुए थे। मुआज़ ने शायद मंजर बिन जुबैर की इस कैफियत को भांप लिया था, लिहाजा अपनी बड़ी बहन को इशारा करते हुए उसने घोड़े को एड़ लगा दी थी। उसकी तरफ देखते हुए उसकी बड़ी बहन नाबील और बसीत दोनों अपने घोड़ों को एड़ लगा चुके थे। थोड़ी दूर जाकर मुआज़ अपने घोड़े से उतरकर एक चट्टान की ओर में बैठ गई थी। उसकी ये कैफियत देखते हुए उसकी बहन नाबील सवालिया से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी थी। जुआ में मुआज़ ने पहले अपने होंठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया, इसके बाद उसे दूसरा इशारा दिया कि वह उसके साथ चट्टान की ओट में बैठ जाए। इस पर नाबील अपने घोड़े से उतरकर मुआज़ के करीब हो बैठी। बसीत भी अपने घोड़े से उतर गया था और तीनों घोड़ों को वो पकड़कर एक तरफ हो गया था। कोस्तानी सिलसिले के नीचे दरिया फरदीश के किनारे बनी राबों की खानकाओं में से जो वो दो राहब निकले थे वह बड़ी तेज़ी से कोस्तानी सिलसिले के करीब आए थे। उनमें से एक खूब तवाना था और दूसरा नौ उम्र मगर घुटे हुए जिस्म का था। वो दोनों राहब कोस्तानी सिलसिले के ऊपर चरवाहे मंजर बिन जुबैर के पास आए। उससे बारी बारी दोनों ने पुरजोश मुसाफिया किया। फिर वो राहब जो बड़ी उम्र का था वह मंजर बिन जुबैर को मुखातिब करते हुए कह रहा था, क्या दोनों कबीलों के सरदारों को हमारी आमद से मतला कर दिया गया है? इस पर इब्ने जुबैर ने बड़ी अकीदत मंदी से बारी बारी दोनों राबों की तरफ देखा, फिर उन्हें मुखातिब करते हुए कह रहा था, कैतानी कबाइल के सरदार का नाम काब बिन आमर है और अदनानी कबाइल के सरदार का नाम साद बिन सलामा है। दोनों को आपकी आमद से मतला कर दिया गया है और इस वक्त कैतानी सरदार काब बिन आमर की कला नमा हवेली में दोनों सरदार आपके मुंतजर होंगे। आप थोड़ी देर रुकें, मैं आप दोनों के साथ दोनों सरदारों के पास जाऊंगा। मेरा बेटा कैसर बिन मंजर आने वाला होगा, इसके बाद मैं आपके साथ हो लूँगा।